गुजरात के भीलवाड़ा से गुजरने वाले जयपुर कोटा हाईवे पर हनुमान नगर में बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि यहां टीकट गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हाईवे पर चल रहा ट्रक पलट गया है। यहां यह भी बता दें कि यह हादसा मंगलवार रात को हुआ। ट्रक में 450 घरेलू गैस सिलेंडर भरे थे। ट्रक पलटते ही आग लग गई और सिलेंडर फटने लगे। हादसे के बाद आसपास काफी अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक करीब ढाई घंटे तक सिलेंडरों में धमाके होते रहे। बता दें कि इस हादसे के करीब 15 घंटे बाद भी NH-52 बंद है। बुधवार सुबह कोटा, अजमेर और जयपुर जाने वाले यात्रियों को पहले ही रोक दिया गया। इन्हें डायवर्ट कर जहाजपुर होते हुए बसोली मोड़ से निकाला गया। बुधवार सुबह मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। गैस कंपनी के कर्मचारियों को भी बुलाया गया। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों से सिलेंडरों के टुकड़े एकत्रित करने का काम किया जा रहा है। वहीं घायल ट्रक ड्राइवर और खलासी का देवली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिलेंडरों से भरा ट्रक नसीराबाद से कोटा के भवानी मंडी की तरफ जा रहा था। आग की लपटें 5 से 7 किलोमीटर दूर तक दिखी। इस हादसे के बाद आग इतनी भीषण थी कि लपटें 5 से 7 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। यहां यह भी बता दें कि हनुमान नगर थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन सिलेंडरों में विस्फोट व आग विकराल होने से कोई भी ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। विस्फोट के साथ सिलेंडरों के टुकड़े सड़क पर दूर दूर तक फैल गए। घरों की छतों आंगन में भी टुकड़े गिरे। ट्रक ड्राइवर विजेठा निवासी 35 वर्षीय सतराज मीणा ने किसी तरह भागकर जान बचाई। हालांकि उसका एक हाथ व शरीर कई जगह से झुलस गया। बताते चले कि टीकट गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हाईवे पर चल रहा ट्रक पलट गया है। ट्रक में 450 घरेलू गैस सिलेंडर भरे थे। ट्रक पलटते ही आग लग गई और सिलेंडर फटने लगे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान की हानि नहीं हुई। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।